ग्वालियर में खेत के बीच जमीन के नीचे अवैध शराब दबाकर रखने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए लगभग 20 लाख की शराब जब्त की है। शराब माफिया ने शराब के ड्रमों को खेत में जमीन के अंदर गाड़कर छुपाकर रखा था। थाना प्रभारी अजय सिंह पवार ने मौके पर पहुंचकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पवार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहनपुरा गांव से 3 किलोमीटर अंदर खेत के बीचों बीच जमीन के अंदर अवैध शराब को जमीन के अंदर गाड़कर रखा गया है। पुलिस ने जब जेसीबी के माध्यम से खेत को खुदवाया तो उसमें अवैध शराब के 16 ड्रम मिले, जिसमें 6 ड्रम ओपी स्प्रेड तथा बाकी 10 ड्रम में देशी अवैध शराब पाई गई, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 30-30 लीटर के 8 केन मिले हैं, जिसमें 240 लीटर कच्ची शराब पाई गई है, जिसकी कीमत 48,000 रुपए बताई गई है। अवैध शराब बनाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मोहनपुर पुल के पास में हाईवे पे मोहनपुर पुल है, उसके आगे उटीला रोड पर मुंडे बाबा से पहले एक कंजर बस्ती है, इसमें 10-12 घर हैं। तो वहाँ से उनके मोटरसाइकिलों पे कुछ रखी थी, 60-60 लीटर 4 मोटरसाइकिलें उनसे मिली है, और उनके पीछे घरों के पीछे जंगल में ड्रम गड़े हुए मिले हैं, 16 ड्रम, जिसमें से 12 ड्रमों में दारू थी, जिसमें 6 में ओपी और स्प्रिट जैसी गंदारी है, संभवतः स्प्रिट से भी अच्छी है उसकी क्वालिटी, और 6 ड्रम में देसी शराब है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।